कोरोना, आयुर्वेद और कोरोना सामान्य रूप से, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना विश्वव्यापी महामारी चल रही है, हमको सबसे पहले तो उसके बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना चाहिए। और जब भी घर से घर में आए बाहर से तो अच्छे से हाथ धोने चाहिए, दिन में कई बार हाथ धोने, खुद को धोने चाहिए, सबको प्रेरित करना चाहिए। बच्चों, खासकर बच्चों और बुजुर्ग, इनका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य व्यवहार से कोरोना से ऐसे बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में घर में उपलब्ध कुछ बूटियों से काढ़ा बना के भी उसका उपचार की कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़े। जैसे कि घर में उपलब्ध तुलसी, अदरक, काली मिर्च, गिलोय और इनको मिलाकर काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़ा बनाने का तरीका है, एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में तुलसी, गिलोय, काली मिर्च और अदरक ये डालें, उबालें, पानी का एक चौथाई रह जाए तो उसको छान कर गुनगुना ही 50 ml प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जहाँ आयुर्वेद और आयुर्वेद में बात द्वारा स्वास्थ्य से भी कोरोना से बचाव के लिए हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। बात द्वारा राजस्थान सरकार के समस्त राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में निःशुल्क उपलब्ध है। इसमें बाता, कंठकारी और बनफसा, तुलसी, गिलोय, इस तरह के 18 जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया गया काढ़ा है। हल्दी भी है इसमें, काली मिर्च भी है, त्रिकटू भी है, तो इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है। इसका काढ़ा बनाने का भी सामान्य वही तरीका है जैसे कि अपन घरेलू जिन चीज़ों से काढ़ा बनाए। एक गिलास पानी लें, उसमें एक चम्मच ये बात लेसनिक जोरा डालें और उसको उबालें, चौथाई रह जाए उसको छान कर और इस्तेमाल गुनगुना इस्तेमाल करें, उसकी मात्रा लगभग 50 ml रहेगी। ये स्वाद में कड़वा हो सकता है, तो जिन लोगों को ये कड़वा ज़्यादा सहन नहीं कर सकते उनको गुड़ या फिर चीनी डालकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। धन्यवाद।